कम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वन। तो देखिए स्टूडेंट, अभी अभी एक नोटिस पब्लिश हो रहा है आपका, जो भी आप बीएड कर रहे हैं या फिर आपका एमएड कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, अगर आप बाबा साहेब अम्बेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी से, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, पूरा समझना चाहिए, क्योंकि आप ही लोग के लिए ये नोटिस है और आप लोग इसको आराम से देख के समझिए पूरा वीडियो में कि किसके लिए ये नोटिस है, किन के लिए ये नोटिस निकाला गया। तो आइए, एक नया नोटिस यहाँ पर पब्लिश हो रहा है आज ही के डेट में, तो आपको बताते हैं इस नोटिस में क्या कहा गया और किसके लिए नोटिस है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको हम लेके आए हैं बाबा साहेब अम्बेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट पे। इस ऑफिशियल साइट पे आप खुद जाके इस नोटिस को देख सकते हैं। तो यहाँ हम आपको दिखाते हैं कैसे इसको डाउनलोड कीजिएगा आप और देख सकते हैं खुद से भी, और यहाँ हम बताते हैं कि कैसे इस नोटिस में क्या क्या कहा गया, किसके लिए नोटिस है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले नोटिस को कहाँ से आप डाउनलोड कर पाते हैं। तो देखिए, यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट पर आइएगा, आने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आपको इस तरह से करंट नोटिस एक सेक्शन दिखेगा, उस करंट नोटिस सेक्शन में आपको आ जाना है। जैसे यहाँ पर आइएगा, देखिए ये करंट नोटिस एक सेक्शन आपको दिख रहा है, इस करंट नोटिस सेक्शन में आपको आना है। आने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर इस जगह पे आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा जितना भी नोटिस पब्लिश होता है, सारा नोटिस इस यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसको स्क्रॉल कीजिएगा इस तरह से आप, तो और भी जितना भी नोटिस है यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। तो लेटेस्ट नोटिस, सबसे लेटेस्ट नोटिस जो रहता है वो आपको यहाँ ऊपर में ही देखने को मिल जाएगा। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है इस तरह से क्लिक करके। जैसे इसमें क्लिक कीजिएगा आप, ये डाउनलोड हो जाएगा इस तरह से। डाउनलोड होने के बाद ये ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओपन होने के बाद यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं किसके लिए नोटिस है। तो देखिए, ये नोटिस किसके लिए है, यहाँ पे नोटिस में देखिए क्या क्या कहा गया वो आपको दिखाते हैं हम। तो देखिए, यहाँ नोटिस है, नोटिस में क्या कहा गया, यहाँ पे लिखा है, देखिए, इट इज़ हेरिबाय नोटिफाइड टू ऑल कंसर्न प्रिंसिपल TIC OIC ऑफ एफिलेटेड कॉलेज अंडर बाबा साहेब अम्बेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी दैट थ्योरी एंड प्रैक्टिकम इंटरनल मार्क्स सबमिशन पोर्टल ऑफ BEd फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर 4 सेशन आपका 25-23, उसके बाद बीएड फर्स्ट सेमेस्टर सप्लीमेंट्री 1-4 सेशन 2022-2024 एंड बीएड फोर्थ सेमेस्टर सप्लीमेंट्री 1-4 सेशन 21-23 विल रिमेन लाइव टिल आपका 14/8/2024। अब देखिए, इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं, इस नोटिस में क्या कहा गया है और किसके लिए नोटिस है। यहाँ पे देखिए, बीएड जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट थे जिनका अभी एग्ज़ाम 30 तारीख को ख़त्म हो गया आपका थ्योरी एग्ज़ाम, तो उसके लिए भी यहाँ पे कहा गया है कि जो रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं 23-25 वाले सेशन के, उनके लिए, और यहाँ पे सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट जो थे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के, और उनका सेशन था आपका 22-24, और जो आपका फोर्थ सेमेस्टर का सप्लीमेंट्री पाए थे सप्लीमेंट्री 21-23 सेशन वाले, उनके सभी स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी क्या कर रहा है, यहाँ पे उनका जो मार्क्स है, प्रैक्टिकल मार्क्स और आपका इंटरनल मार्क्स, यानी कि जो भी एग्ज़ाम हुआ उसका मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स, इसको बोला है कि आप जो है 14/8/2024 तक सारा मार्क्स को स्टूडेंट का अपलोड कर दें, और ये लिंक जो एक्टिवेट रहेगा आपका 14/8 से लेके आपका, मतलब 14/8/2024 तक ही लिंक रहेगा, उसके बाद इसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा इस लिंक को। तो ये आप लोग देख नहीं पाइएगा इस लिंक को, इस लिंक को देख पाएगा सिर्फ कॉलेज वाले लोग, क्योंकि उसका कॉलेज का एक आईडी पासवर्ड होता, वो जैसे आईडी पासवर्ड देके इसको लॉगिन करेगा, लॉगिन करेगा उसके बाद वहाँ पे उसको सारा डिटेल यहाँ पे दिखेगा, और उसी को वहाँ पे मार्क्स फिलअप करना पड़ेगा, आप लोग को कितना किसको मार्क्स देना है वो लोग वहाँ पे उसको डिसाइड करेगा और अपना डिटेल बना के यूनिवर्सिटी को यहाँ पे लाइव करेगा, यानी कि यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट पे वो लोग इसको अपलोड करेगा। अपलोड करने के बाद इसको अपलोड कर देगा 14/8/2024 तक, हमें लगता है। अब देखिए, 14/8 तक इसको सबमिट करना पड़ेगा, सबमिट करने के बाद वो लोग वहाँ पे क्या करेंगे, आपका रिजल्ट बनाएंगे, रिजल्ट बना के आपका जो रिजल्ट है वो पब्लिश करेंगे यूनिवर्सिटी। यहाँ पे कॉलेज का सिर्फ इतना काम है, सभी का प्रैक्टिकम और आपका असाइनमेंट और जो होता है आपका थ्योरी का मार्क्स, वो सारे मार्क्स उनको यहाँ पे देना पड़ता है यूनिवर्सिटी को कि इतना मार्क्स इस स्टूडेंट का आया है। तो यही इस नोटिस में कहा गया। आप देखिए, यहाँ पे बात आता है कि आपका जो प्रैक्टिकम एग्ज़ाम है, जो भी रेगुलर वाले स्टूडेंट है, इसका प्रैक्टिकम कब होगा। तो आपका नेक्स्ट वीडियो हम ला रहे हैं इसी रिलेटेड कि आपका प्रैक्टिकम जो है कब होगा और किस तरह से आपका प्रैक्टिकम लिया जाएगा। तो आप लोग इसको
जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह से जो भी अपडेट आएगा हम आपको देते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो अगर आप लोग अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप अपडेट रह सकें। हम प्रयास करते हैं आपको अपडेट रखने का। तो नेक्स्ट वीडियो उसी के रिलेटेड ला रहे हैं, अभी जो पता चल रहा है कि प्रैक्टिकम कब होगा, कैसे होगा, किस आधार पे होगा, उसके रिगार्डिंग। तो इसमें इतना ही कहा गया इस नोटिस में। आई होप कि सब कुछ डिटेल आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेरी है मन में, कोई डाउट है मन में, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।